हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने EVS का चैप्टर 2 लेकर आई हूँ जिसका नाम है वी नीड फूड। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। डू यू नो फूड इज आवर बेसिक नीड टू सर्वाइव। गुड फूड इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। वी शुड टेक फ्रेश एंड गुड फूड इन आवर लाइफ। क्या आप जानते हैं फूड इज आवर बेसिक नीड टू सर्वाइव। सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद चीज होती है जीने के लिए वो क्या होती है? भोजन होता है। गुड फूड इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अच्छा भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमें हमेशा फ्रेश और अच्छा भोजन ही करना चाहिए। Food is an important need of our life. In this chapter, we will find there are many kinds of foods available to us. तो जैसे मैंने अभी बताया कि food जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जरूरत है, जो हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा जरूरतमंद चीज़ है। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसकी, कि कई सारे जो भी फूड्स हमारे खाने के लिए जो अवेलेबल होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। Different types of foods are obtained through different resources. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो foods होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं और वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अलग अलग resources से मिलते हैं। So now read about the different foods and their importance. Food gives us energy to work and play. फूड हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ है और फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है खेलने के लिए और काम करने के लिए। वी ऑल नीड फूड टू ईट। हमें सभी लोगों को क्या ज़रूरत होती है? खाना खाने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। विदाउट फूड वी विल डाई, और बिना भोजन के हम मर भी सकते हैं। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोजन हमें कैसा रखता है? हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है, मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है और मजबूत रखता है। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें जो भोजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से, यानी पौधे से और जानवरों से। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख ही रहे हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो ये जो पिक्चर्स में बने हुए ये सारे फूड कैसे हैं? जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे मैंगो, ब्रिंजल, ऑरेंज, पोटैटो, ग्रेप्स और एप्पल। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? जैसे एग्स, मिल्क, मीट, फिश, वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। इसमें ये जो वेजिटेरियन फूड है ये प्लांट से मिलेगा और जो नॉन वेज है वो एनिमल से। नेक्स्ट आता है वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। मिल्क इज अ कम्प्लीट फूड। हमें प्रतिदिन क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए और वो हमारा एक पूरा भोजन होता है। वी ईट चीज, बटर, आइसक्रीम एंड कर्ड। हम ये सब खाते हैं, पनीर, मक्खन, आइसक्रीम और दही। तो दीज प्रोडक्ट्स आर मेड ऑफ मिल्क। ये सभी प्रोडक्ट्स किससे मिलते हैं? दूध से। फूड लाइक शुगर, बटर, ब्रेड, राइस, पोटैटोस मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। और जो भोजन है जैसे शुगर, चीनी और बटर हो गया, मक्खन हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब हमारे हड्डियों को मजबूत रखते हैं और मसल्स को भी। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कीप्स अस हेल्दी। सब्जियां और फल ये दोनों ही हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। वी ईट कुक्ड फूड। और हम पका हुआ खाना खाते हैं। इट इज टेस्टियर एंड हेल्दियर। तो पका हुआ खाना हमें हमेशा टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है। इट इज डाइजेस्टेड क्विकली। और पका हुआ खाना जल्दी से पच भी जाता है। पीपल हु ईट ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग गेहूं, दाल, सब्जी, फल ये सब खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस। पीपल हु ऑल्सो ईट मीट, फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। और वो जो मांस मच्छी खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। वी ईट थ्री काइंड्स ऑफ मील्स एवरी डे।
पूरे दिन में हम तीन तरह की मील खाते हैं, यूज करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट, सबसे पहले सुबह के टाइम हम क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। उसमें हम क्या लेते हैं, वी टेक मिल्क विद ब्रेड एंड बटर और पराठा इन ब्रेकफास्ट। उसके बाद आता है इन द नून वी हैव लंच, दोपहर के समय में लंच का टाइम हो जाता है और उसमें हम क्या लेते हैं, वी ईट राइस चपातीज वेजिटेबल्स पल्सेस कर्ड एटीसी इन लंच। सम पीपल ईट फिश एग्स एंड मीट ऑल्सो, दोपहर के समय में ये सब भी खाया जाता है। एट द नाइट वी हैव डिनर, वी ईट राइस चपातीज पल्सेस वेजिटेबल इन डिनर, और रात के समय में हम चावल चपाती दाल सब्जी ये सब लेते हैं। उसके बाद आता है बैलेंस्ड डाइट, द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट डेली इज कॉल्ड आवर डाइट। जो भी हम पूरे दिन में भोजन खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। ए डाइट विच हैज ऑल द सब्सटेंसेस नीडेड फॉर अ पर्सन टू बी हेल्दी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो जो खुराक होती है, जो हम खाना खाते हैं, अगर उसमें सभी तरह की चीज़ें, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब हम ले रहे हैं, तो उसको हम मतलब उससे हमारे जो शरीर है, बॉडी है, वो हेल्दी है। तो इसका मतलब हमारी वो डाइट कैसी है, बैलेंस्ड डाइट है। बैलेंस्ड डाइट इज़ गुड फॉर हेल्थ, और बैलेंस्ड डाइट जो होती है वो हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट है वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। हेल्थ अच्छी रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमें हमेशा फ्रेश और साफ ही भोजन करना चाहिए। वी शुड अवॉइड एन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ टॉफीज चॉकलेट एंड स्वीट्स एज दे कैन बी हार्मफुल फॉर आवर टीथ, हमारे दांतों के को जो नुकसान पहुंचाती हैं, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या मीठा खाते हैं, तो इन चीज़ों का हमें ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए ये चीज़ें। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, और पानी हमें हमेशा ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। वी शुड अवॉइड मच ऑयली एंड फ्राइड फूड, दिस काइंड ऑफ फूड इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और हमें हमेशा मतलब ऑयली और फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी ये समझ में आया होगा तो आप इसको एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। सो अब आती है बात कि जो मैंने चैप्टर समझाया है उससे रिलेटेड हम किस तरीके से बुक वर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो बुक वर्क में जो काम दिया जाता है उसमें सबसे पहला आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो वी ऑल नीड फूड टू ड्रिंक ईट और प्ले, हमें खाना जो ज़रूरत होती है भोजन की, किस लिए ज़रूरत होती है, पीने के लिए, खाने के लिए और खेलने के लिए। We all need food to eat. We get food from plants and अभी बताया था मैंने कहाँ से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। We get milk, eggs and meat from, ये कहाँ से मिलेगा, milk, egg, meat, insect, doctor और animal, animals. In the morning we have, सुबह के टाइम हम क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स फिल करना होगा। तो फूड हमें, भोजन जो है हमें कैसा रखता है, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, ट्रू। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम एनिमल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बोल रहा है, एनिमल से मिलता है, फॉल्स। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ट्रू। वी ईट कुक्ड फूड, ट्रू। Answer the following question. सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है what is food? तो यहाँ पे हमें food की definition देनी होगी। तो food की definition क्या होगी इसमें? इसमें क्या रहेगा? Food is an important need of our life. It gives us energy
to work and play. Thumbs up. From where do we get food? हमें भोजन कहाँ से मिलता है? मैंने भी बताया था. From plants and animals. ये आंसर हो गया. Next है, name three kinds of meals you eat every day. कौन कौन सी शॉर्ट में लिखवा सकते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिफाई द फॉलोइंग फूड आइटम्स इनटू फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स. मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं, तो हमें इसमें से सर्च करना है कि कौन सी चीज कौन सी कॉलम में आएगी. जैसे वीट, वीट क्या होता है? फ्रूट, वेजिटेबल और सीरियल. वीट सीरियल होता है. मतलब इज अ फ्रूट. कॉलीफ्लावर वेजिटेबल. राइस सीरियल. बनाना फ्रूट. लेडी फिंगर वेजिटेबल. चीकू फ्रूट. स्पिनच वेजिटेबल. लीची फ्रूट. ब्रिंजल वेजिटेबल. ऑरेंज फ्रूट. एंड देन कैबेज इज ऑल्सो वेज. इस तरीके से आप बच्चों को करा सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीरियल. तो बच्चों को अंदर भी पता चलेगा कि फल, सब्जी और दाल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.